नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के सेक्टर 15 आसिफगंज में समीक्षा बैठक का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि व प्रभारी जनाब इजरार अहमद साहब प्रमुख जी ने समीक्षा करते हुए बताया कि पार्टी की तरफ से हमें जो निर्देश मिला है उसी कड़ी में हम आजमगढ़ शहर के आसिफगंज सेक्टर 15 में समीक्षा करने आए हैं और संगठन की कमेटी कैसे मजबूत होए उस दिशा में काम करेंगे। और मीटिंग की अध्यक्षता मिराज अहमद सेक्टर अध्यक्ष व आसिफगंज 15 के सह सेक्टर प्रभारी अमन वर्मा पुत्री स्वर्गीय रंजन वर्मा जी की याद करके लोग थोड़े वक्त के लिए भावुक हुए। मिराज अहमद ने कहा कि स्वर्गीय रंजन वर्मा जी की छवि अमन वर्मा में दिखती है। वह मीटिंग का संचालन सेक्टर पर्यवेक्षक संजय श्रीवास्तव ने किया, जिसमें सेक्टर 15 आसिफगंज समीक्षा बूथवार सभी बूथ अध्यक्ष व प्रभारियों के मौजूदगी में हुई और विधानसभा सदर 40 सेक्टर में एक साथ मीटिंग आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी पूरे मजबूती से विधानसभावार कैडर बेस पर पार्टी की मजबूती के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार बैठक आयोजित करने के दिशा में आदेश मिला, जो कि यह प्रथम चरण की मीटिंग रही। आगे विधानसभावार पूरे प्रदेश सेक्टर समीक्षा बैठक का कार्यक्रम तय जो अपने निर्धारित समय पर चलता रहेगा। इसी क्रम में मुख्य रूप से सेक्टर प्रभारी मिराज अहमद व सह प्रभारी अमन वर्मा, सेक्टर पर्यवेक्षक संजय श्रीवास्तव व हमारे बूथ अध्यक्ष राजेश सोनकर नाथू, फिरोज खान, अशोक चौधरी, साबिर खान, जियाऊ खान, मोहम्मद कैस, अलीम खान, कासिफ इस्लाम कुरैसी, गुड्डू तकिया व समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष अली आजमी उर्व मुशर्रफ इराकी ने मुख्य अतिथि व प्रभारी जनाब इसार अहमद साहब प्रमुख जी को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और सभी बूथ के सदस्य व बूथ प्रभारी व सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी बहुत पुराने सदस्यों के लोगों की मौजूदगी भी रही। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। रामदपुर ब्लॉक प्रमुख रानी जी सरान आज सदर विधानसभा पूरे विधानसभा की बूथ कमेटी की समीक्षा हो रही है और ये सदर विधानसभा 40 बूथ सेक्टर हैं। 40 बूथ सेक्टर पे हर सेक्टर पे पार्टी की तरफ से एक प्रभारी नियुक्त हुआ है। बूथ समीक्षा करेगा, जनगणना कितनी हुई है, कितनी है, कौन जाति बिरादरी कितने वोटर हैं, ये सब हो रहा है। और लगभग 400 बूथ हैं, आज 400 बूथ की समीक्षा हो जाएगी और जितने प्रभारी हैं सब लोग समीक्षा करके पार्टी कार्यालय जिला मुख्यालय पर उसको समित करेंगे। और यहाँ के जो बूथ प्रभारी हैं मिराज अहमद हैं और सेक्टर प्रभारी और बूथ प्रभारी यहाँ पर लोग आठ बूथ की मैं समीक्षा कर रहा हूँ। 8 लोग आए हैं, बगल में बैठे हैं, अभी तो मैं शुरू नहीं किया हूँ, शुरू करके रुकुट करके वर्मा जी के पुत्र हैं, ये बहुत पुराने वो लोग कार्यकर्ता थे। और शहर में सही मायने में अगर लोगों से मोहब्बत से मिला जाए तो आजमगढ़ शहर सबसे ज़्यादा टॉप पे जा सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। पार्टी का यही है कि हम लोग लोगों तक पहुँचें और लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम करें, क्योंकि जब तक हम अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक हमसे आप कोई जुड़ नहीं सकता। चुनाव के जो मद्देनजर ही ना ये तैयारी हो रही है, आप देख रहे होंगे सत्ताधारी का अलग खेल है, अपना एक रुपया खर्चा नहीं करना है, प्रधानों के ऊपर जो है लोड डाल के जबरदस्ती उनसे प्रचार कराया जा रहा है। प्रधान बेचारे, हर प्रधान जहां मीटिंग हो रही है 10 से 15 हजार रुपया उनका ऊपर लोड जा रहा है, ये पैसा कहां से आएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ता अपना पैसा भी लगा रहे हैं, अपना मेहनत भी कर रहे हैं, वोटर लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, वोट दिलाने का भी काम करते हैं। हम लोग किसी पर लोड नहीं डालना चाहते और आने वाले दिन में हम चाहते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी मैं आजमगढ़ रहा है उसी तरह से फिर स्थापित हो, क्योंकि उपचुनाव में थोड़ी सी चूक हो गई हमारे पार्टी के नेताओं की तरफ से, चूक उसमें कहने में शर्म नहीं है, लोग जनता तक पहुंच नहीं पाए, नहीं तो उपचुनाव भी धर्मेंद्र यादव जीतते। तो 2024 की मद्देनजर देखते हुए ये तैयारी हमारी चल रही है और आप लोगों से भी हमारी यही उम्मीद है कि हमारी बात लोगों तक पहुंचाइए,
समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है, हर बिरादरी की, हर समाज की। देखिए आजकल धर्म का नाम चल रहा है, राजनीति को और धर्म को बहुत दूर रखना चाहिए था, लेकिन आज राजनीति जो है धर्म के नाम पे ही हो रही है। बेटी बनी है उसकी हम समीक्षा करने आए, जो नए लोग आएंगे उनका स्वागत है, ग्रहण भी करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।